हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर 7 हमारा है वेदर क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। क्लियर? डू यू रिमेम्बर द थिंग डैट यू आर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू आर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन? क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं तो आपको अपने साथ क्या क्या सामान पैक करने के लिए कहा जाता है? जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि आप अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाइए। आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन होने वाला होता है तो आपके बड़े उसके पहले मौसम के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई भी गेम स्टार्ट होने से पहले आप लोग जो मौसम के विभाग के एक्सपर्ट होते हैं उनको मौसम के बारे में डिस्कस करते हुए सुना होगा। क्या आपको कभी ये जान के आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों होता है? द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स। मौसम का गेम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? मौसम का हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? मेनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटी आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड ऑफ द डे। हमारी बहुत सी ऐसी एक्टिविटियाँ हैं जो उस दिन के मौसम के हिसाब से प्लान की जाती हैं। देर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो इन द न्यूज़पेपर। टेलीविजन, रेडियो और न्यूज़पेपर में भी मौसम के बारे में प्रतिदिन जानकारी दी जाती है। बट डू यू नो वॉट दिस वेदर रिलीज? लेकिन आपको पता है कि वास्तव में ये मौसम है क्या? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम लोग वेदर और क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे विभिन्न जीव किसी प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट वेदर। वॉट इज वेदर? We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे के ताप, आर्द्रता और वर्षा के बारे में जानकारी दी जाती है। It also predicts the weather for the day. इसमें जो है अगले दिन की भी जानकारी दी जाती है। Humidity क्या होता है? ह्यूमिडिटी मीन्स होता है मॉइस्चर इन एयर। एयर में जो नमी की मात्रा होती है उसको ही हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। बूझो वंडर्स हु प्रिपेयर दिस रिपोर्ट। बूझो कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता होगा। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड, ETC एंड मेक द वेदर प्रिडिक्शन। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग आदि पर डेटा एकत्रित करते हैं और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 7.1। किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी मौसम की जो जानकारी है उसको काट लीजिए। यदि आपके घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है तो अपने किसी पड़ोसी या फ्रेंड से ले लीजिए। आपको ये नॉलेज जो है वो लाइब्रेरी से भी मिल सकती है। और सबको अपने चार्ट पेपर पे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद उस डेटा से कलेक्ट किए गए इन्फॉर्मेशन को टेबल 7.1 में क्या करना है, आपको फिल करना है। ये है आपका टेबल 7.1, जिसमें कि कुछ कॉलम बनाए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में डेट, 7 डेज के डेट आप लिखेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर को शो कराएंगे, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को शो कराएंगे, मैक्सिमम और मिनिमम और रेनफॉल को शो कराएंगे। क्लियर? रेनफॉल इज मीजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज। रेनफॉल मीजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेन गेज। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर रेन वाटर को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। डू ऑल द 7 डेज हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल? अब आपने जब सभी डेटा को फिल किया तो क्या आपने देखा कि क्या इन 7 दिनों में, इन 7 डेज में मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल ये सभी सेम थे? द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड में बी द सेम फॉर सम डेज। कुछ दिनों का मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर
समान हो सकता है। जैसे अगर वन फर्स्ट डेट का है तो सेकंड का नहीं, थर्ड का हो सके फर्स्ट डेट से मैच कर जाए। तो कुछ दिनों का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर समान हो सकता है, लेकिन किन्हीं दो दिनों का पैरामीटर्स मींस मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सेम नहीं हो सकते। किसी एक सप्ताह में सभी दिनों के जो डेटा हैं वो सेम नहीं हो सकते। तो वेदर होता क्या है? द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ETC इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, दीज आर द फैक्टर्स एंड इट इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ वेदर। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंज डे आफ्टर डे। किसी एक स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन भी बदल सकता है, सप्ताह प्रति सप्ताह भी बदल सकता है। इसलिए प्रायः हम कहते हैं कि आज का मौसम जो है वो अत्यधिक आर्द्र है, जबकि पिछले सप्ताह बहुत गर्मी थी। द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना डैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मौसम एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, यह क्षण भर में परिवर्तित हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह के समय धूप निकली होती है और तुरंत बारिश होने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भारी बारिश होते होते एकदम रुक जाती है और थोड़े ही टाइम में बहुत ही चमकदार धूप हो जाती है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस। अगर आपको ऐसा कुछ अनुभव हो तो उसको आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे। वेदर जो है, मौसम जो है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेनामिना है, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत आसान नहीं होता। क्लियर? फिगर 7.2 में दिए गए ग्राफ को देखिए। इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलांग मेघालय के रिकॉर्ड दिए गए हैं और जिसमें अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperature are recorded every day. Do you know how these temperature are recorded? In chapter 4, you have learned that these are the special thermometer for this purpose called maximum and minimum thermometer. जैसा कि किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? चैप्टर 4 में आप लोग थर्मामीटर के बारे में पढ़े हैं, तो इस टेम्परेचर को भी एक स्पेशल टाइप के थर्मामीटर से मेजर किया जाता है। उस स्पेशल टाइप के थर्मामीटर को कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। क्लियर? कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम थर्मामीटर एंड व्हेन द मिनिमम थर्मामीटर? क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय का तापमान अधिकतम होता है और किस समय का तापमान कम होता है? द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन अर्ली द मॉर्निंग। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान प्रातः भोर में होता है। क्या अब आप समझ गए कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम जो है वो हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है, आरामदायक लगता है। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कास्ट बाय द सन। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला होता है। सूर्य की हम से दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूर होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्रों, समुद्रों
और वायुमंडलों द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी भिन्न होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। वॉट अबाउट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट? क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? क्या जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल में अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता? क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? चैप्टर के लास्ट में दिए गए जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करिए और इसको स्वयं पता लगाने का प्रयास करिए। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लाइमेट। व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। पिछले अनेक दशकों से मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। क्लियर? दीज हेल्प अस टू डिटरमिन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम पैटर्न का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकिंग ओवर अ लॉन्ग टाइम सेज 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ डैट प्लेस। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। क्लियर? 25 साल तक जो मौसम के रिकॉर्ड रखे जाते हैं उस बेस पे हम किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, डिटरमिन करते हैं। और क्लाइमेट क्या है, देखिए 25 साल के रिकॉर्ड पे डिपेंड है, जबकि वेदर क्या था, वो डे बाय डे वीक आफ्टर वीक चेंज होता था, ठीक है। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस्ड हाई मोस्ट ऑफ द टाइम देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। इफ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डे इन द सेम प्लेस देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट। इसके अतिरिक्त यदि उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशन एट टू प्लेस इन इंडिया। टेबल 7.2 एंड 7.3 में हमने भारत के दो शहरों की जलवायु परिस्थिति का विवरण दिया है। The mean temperature for a given month is found in two steps. First, we find the average of the temperatures recorded during the month. Second, we calculate the average of such average temperature over many years. प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना दो चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। उसके बाद पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं। इससे हमें औसत तापमान मिल जाता है। दो स्थान हैं, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का टेम्परेचर दिया गया है और केरल में तिरुवनंतपुरम का। देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से टेम्परेचर दिया गया है, सबका हर मंथ दिया गया है और हर मंथ का मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और रेनफॉल ये आपको बताए गए हैं। By looking the table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for a part of the year. टेबल 7.2 और 7.3 देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इस प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए
के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसतन ताप को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तापमान काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए यह हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र होती है। नॉर्थ ईस्ट की जलवायु कैसी होती है? वेट होती है, आर्द्र होती है। क्लियर।